का चाय बनाने जा रहे हैं जो कि मिनटों में तैयार किया जा सकता है घर पे, और आप इसे जैसे ही बनाएंगे अचार वैसे ही आप इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी अचार बनता है, आप जरूर ट्राई करें। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं इसमें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट आम का अचार। इंस्टेंट आम का अचार बनाने के लिए आधा किलो कच्चे आम चाहिए, इसे धो लें अच्छे से। दो छोटे चम्मच नमक चाहिए, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर चाहिए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर चाहिए, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच कलौंजी चाहिए, ये काले रंग के दाने टाइप होती है। और एक छोटा चम्मच पिसी हुई सौंफ चाहिए। इसके साथ आधा कप हमें सरसों का तेल चाहिए और हींग चाहिए हमें एक चौथाई छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम अमिया को छील लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से इसे पतला लंबा काट लेंगे। यहाँ पर ये सारी अमियां मैंने काट ली हैं और इसे अब हम एक साफ बर्तन में निकाल लेते हैं। बर्तन हमारा सूखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला ना हो। और इसके ऊपर अब हम नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये कलौंजी डाल देंगे और सौंफ डाल देंगे पिसी हुई। इसके साथ हम इसमें हींग भी डालेंगे। यहाँ पे मुझे हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैं हींग डाल रही हूँ। और तेल डाल देंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से इसे मिला लें और देखिए ये हमारा इंस्टेंट आम का अचार बनके तैयार हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा क्रंची टेस्ट चाहिए तो आप अमिया को छीले ना ऐसे ही बारीक लंबा काट के डाल सकते हैं। ये हमारा इंस्टेंट आम का अचार तैयार है खाने के लिए।